दाऊद वालों ने मेहरबानी की है कि सैम्पल पेपर दी है, द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑन बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिस्क्राइब इन द टर्म्स ऑफ, तो ऑफ कोर्स क्या आंसर होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स। इसके बाद कह रहे हैं इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम ऑफ बॉडी द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, विच लॉ स्टेट्स दिस, तो हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। फिर कह रहे हैं इनर्जी पजेस बाय अ बॉडी इन अ मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, जाहिर है पोजीशन ही होती है तो पोटेंशियल होती है, विच लॉ ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। द स्टडी ऑफ फिजिक्स विच डील विद लॉ ऑफ मोशन, तो इसको क्या कहते हैं, ठीक है जी। द स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम, दैट्स सच स्टडी ऑफ फिजिक्स, कुछ है लॉ ऑफ मोशन, फोर्स प्रेजेंट इन नेचर, तो ऑल ऑफ दी सारी फिजिक्स की टाइप्स हैं। फिर है ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द न्यूक्लियर पार्टिकल्स सच एज न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स। द आइडिया दैट लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर, मैक्सवेल ब्लैंक। फिर है डैश इज नॉट अ एरिया ऑफ फिजिक्स, ऑफ कोर्स केमिकल फिजिक्स नहीं होती, बाकी मैकेनिक तरह तो सब होती है। फिर ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रोपेगेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, जनाब अकाउस्टिक, क्योंकि ऑप्टिक तो लाइट की होती है। फिर कह रहे हैं फिजिक्स बेस्ड ऑन न्यूटनियन मैकेनिक्स इज कॉल्ड क्लासिकल फिजिक्स, याद है जो आइंस्टाइन वाली है वो क्वांटम फिजिक्स कहलाती है। फिर है पास्कल इज फेमस फॉर हिज वर्क हाइड्रोडायनेमिक। फिर है ऐसा यूनिट सिस्टम 1960 में आया था, विच है फॉलिंग इज ड्राइव यूनिट, देखो लेंथ और टाइम तो बेसिक यूनिट है, एरिया हो जाएगा। द फंडामेंटल क्वांटिटी विच फॉर्म बेसिक फॉर एम के एस, तो एम से मास हो गया, ठीक है, एम हो गया मीटर, और जो कि लेंथ का यूनिट है, के के जी एस सेकेंड, तो मास लेंथ एंड टाइम। फिर कह रहे मीटर इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ, किलोग्राम इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ मास, बड़े आसान है। 1 माइल 1.609 किलोमीटर या 8/5 किलोमीटर की क्लास में भी करवाया है। लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, और द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, और टाइम टेकन लाइट टू रीच फ्रॉम सन टू अर्थ इज 8 मिनट 20। वॉट वॉज द फर्स्ट कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान, देखें इस बार दाद वालों ने सैम्पल पेपर दिया था तो ये पूरा सोल्यूशन जी कराची था, फिर पिंडीरा। वेन डिड इस्लामाबाद बिकम कैपिटल, तो भाई ये हुआ था 14 अगस्त 1967। अच्छा देखो जो मेरा गैस पेपर था, देखो पूरे पूरे यही क्वेश्चंस हैं भाई, और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हों सर सैद की जी के हो, कराची यूनिवर्सिटी की हो, एस एम आई यू की हो, तो माशाल्लाह जी के तो हमारी और वो क्या पूरी उसी से आता है। वॉट इज़ द लार्जेस्ट फूड क्रॉप, वीट, ठीक है। अगर कैश क्रॉप की बात हो तो फिर कॉटन है हमारी, ठीक है, ध्यान में रखे। हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, लियाकत अली खान, जो के साथ साथ फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर भी थे। हु डेजिग्नेट द नेशनल फ्लावर पाकिस्तान, अमीरुद्दीन कथवाई। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, उर्दू भाई कुछ लोगों ने गलत लिखा है, इंग्लिश नहीं है, अभी भी उर्दू ही है। पाकिस्तान शेयर इज लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया, रेड क्लिफ कहलाता है, और अफगानिस्तान के साथ डूरन कहलाता है। करंट स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली राजा परवेज अशरफ, और जनाब जो सेनेट के चेयरमैन है सादिक संजरानी। करंट गवर्नर ऑफ सिंध, तो ये पुराना सैम्पल पेपर है, कामरान टेसोरी हैं भाई यहाँ पे, अब ये देखें मैंने करेक्शन कर दी इसलिए। वॉट इज़ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, जी पंजाबी। और अल्लामा इकबाल का टॉम लाहौर में 1938 में वफात हुई थी और 1877 में पैदा हुए थे। फाइव कलर्स ऑफ ओलंपिक, देखो रेड येलो ग्रीन और ब्लू, ये लूडो के भी कलर हैं, गूगल के भी हैं। इनमें ब्लैक प्लस कर दो तो ये कॉन्टिनेंट्स के कलर हो जाते हैं, यानी 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है ओलंपिक में। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इस्कंदर मिर्जा, जो लास्ट गवर्नर जनरल भी थे। एटॉमिक एक्सप्लोजन पाकिस्तान ने किया था 28 में 1998।
सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। दाऊद के सैंपल पेपर में एनालिटिकल रीजनिंग भी दी थी इन्होंने, व्हाट शुड कम नेक्स्ट, 37, 34, 31, 28, तीन तीन कम हो रहा है तो तीन कम हो के 25 आना चाहिए। व्हाट नंबर बेस्ट कंप्लीट द एनालॉजी का मतलब है जो रिलेशन इन दोनों में हुई इधर वाले में, 8 का हाफ 4 है तो 10 का भी हम हाफ ढूंढेंगे भाई जो कि 5 होता है। फिर कह रहे हैं मिसिंग नंबर 6, 10, 14। अब देखो ये 4 प्लस हुआ, ये 8 प्लस हुआ, ये 16 प्लस हुआ। 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32 प्लस कर दो 66 हो जाएगा। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। अब बेटा देखो यहाँ पहले 8 माइनस, फिर 4 माइनस, फिर 2 माइनस, 8 4 2 यानी आधा करके हो रहा है, तो 2 का आधा 1 होता है, 1 माइनस करो यहाँ 3 आ जाएगा। टू डाइस आर रोल वंस द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इन विच एटलीस्ट वन डाई शोज 2। भाई ये 11 होता है, बहुत सारे लोगों ने गलत सॉल्व किया। द पॉइंट -5, 3 इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल 7, -2। तो 7 और -5 में 12 का फ़र्क है, 3 और -2 में 5 का। फाइनली हम इसको आंसर निकालेंगे, 13 आ जाएगा। एनी पोर्शन ऑफ द सर्कल विल बी नोन हैज डैश ऑफ ईच अदर, आर्क ऑफ ईच अदर। द यूनिट ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेस विच हैव कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। द सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। फिर देखो मिसिंग नंबर पूछ रहे हैं। अब देखो एक्स वाई से ए सी बी, यानी अब ये इसी तरतीब में चलना चाहिए आपका, तो इस क्वेश्चन में भी कुछ घोटाला था इनका। अब ये बी हो गया, डी हो गया, सी हो गया, ठीक है, इस हिसाब से ए होना चाहिए था, बट आंसर की में इन्होंने जो दिया था वो एक्स वाई ई दिया हुआ था, एक्स वाई ए का ऑप्शन ही नहीं थी। दाऊद के सैंपल पेपर की इंग्लिश का सोल्यूशन, डैश इन टाइम सेव्स 9, तो आ स्टिच इन टाइम सेव टाइम। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ रेकलेस, तो रेकलेस का एंटोनिम इनमें से केयरफुल होगा, ठीक है जी। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ मीगर, मीगर वो कहते हैं बहुत कम को, तो ऑफकोर्स अबेंडेंट यानी बहुत ज़्यादा। द टास्क वॉज अकॉम्प्लेंट डैश टाइम फ्रॉम बाय इन, तो ऑफकोर्स सबसे सूटेबल इन टाइम होगा। ही ब्राउट फ्लावर्स फॉर डैश, तो ज़ाहिर है ही ब्राउट फ्लावर डैश हर फॉर हर होगा। व्हाट इज़ द सेम हैज जैन, जैन का मतलब बहुत बड़ा तो ह्यूज। व्हाट इज सेम हैज एनॉइड, एनॉइड के मीनिंग क्या हो जाते हैं, एंग्री होना, ठीक है जी। फिर पीस ऑफ केक बेसिकली ये एक मुहावरा है जिसके मीनिंग ईजी होते हैं। द वर्ड दैट मीन द सेम हैज मेल, तो पोस्ट, ये बड़ा है मैं बहुत आ रहा है पेपर में। द फार्मर्स आर वर्किंग डैश द फील्ड, भाई इन द फील्ड। डोंट वेट फॉर मी आई डैश लेट, इट डिपेंड्स अपॉन द ट्रैफिक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बात हो रही है माइट बी, मे बी के बजाय ज़्यादा सूटेबल है या माइट बी। डोंट वरी अबाउट द बेबी, आई विल लुक डैश हर वाइल यू आर आउट, तो ऑफकोर्स लुक आफ्टर फ्रेजर वर्ब है या। इफ आई यंगर आई डैश टू प्ले द पियानो बट आई एम टू ओल्ड नाउ, देखो जब भी ख्वाहिश के लिए बात होती है ना तो वर आता है, तो पहले में तो वर आ जाएगा इफ़ आई वर यंगर। आई डैश, तो अब वर के साथ देखो दो ऑप्शन दिए, एक में वर के साथ वुड लर्न है, एक में वुड है, तो खाली वुड तो सूटेबल नहीं हो सकता, तो क्या होगा, इफ आई वर यंगर आई वुड टू वुड लर्न टू प्ले द पियानो बट आई एम टू ओल्ड। वेयर द कैश डेक्स, आई हैड लाइक टू पे डैश दिस बुक, यहाँ भी क्या आ जाएगा फॉर दिस बुक। फिर वी माइट हैव क्वेश्चंस, इट डिपेंड्स ऑन द वेदर, ऑन द बेहतरीन वर्ड है। गवर्नमेंट बाय सिंगल पर्सन ऑटोक्रेसी। ओजोन रिएक्ट विद एथीन टू फॉर्म ओजोनाइट। द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन अ कंपाउंड, तो ये कब होता है जनाब, सिस्टम ऑफ अनसेचुरेशन। फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3। मोस्ट एक्टिव हाइड्रोकार्बन इज़,
एसिटाइलिन. विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एलीसाइक्लिक? तो जनाब आंसर होगा टॉलिन. सिंथेटिक रबड़ इज मेड बाय पोलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोट्रीन. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग द मॉलिक्यूल HF. विच इज द मोस्ट पोलराइज नोबल गैस? रेडॉन. विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज टू रेडियोथेरेपी? ये भी रेडॉन. ब्लीचिंग पाउडर इज नॉट यूज फॉर ब्लीचिंग. किसके लिए ब्लीचिंग के लिए यूज़ नहीं होता? कॉटन की. तो भाई केमिस्ट्री की MCQs भी बहुत आसान नहीं है. देखें ये जो एलीसाइक्लिक नहीं होगा वो टॉलिन नहीं होगा, क्योंकि इसकी ये स्ट्रक्चर है और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. हाइड्रोजन बॉन्ड किस में सबसे स्ट्रांग होता है? HF में. एनालॉगी स्लिप स्टिक के नतीजे में लॉफर होता है. फ्लैसिड इसमें नहीं हो सकता. हॉरर के नतीजे में फेयर होता है. सेम रिलेशन देखते हैं. व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ इनकॉन्सिस्टेंट? तो स्ट्रीट फास्ट, यानी मुसलसल काम करने वाला. फिर एंटोनिम पूछा है स्ट्रिंजेंट का, लेनियंट हो जाएगा. साइनोनिम ऑफ ग्रूसम, खौफजदा, खौफनाक यानी फ्राइटफुल. फिर लेथार्जी का मतलब होता है निकम्मा, सुस्त, और फेटिज के मीनिंग थकावा. तो ये साइनोनिम इसका हो जाएगा. द रिसर्च स्टडी इन एन ओपनर एंड डैश विद द प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन. तो ये बेसिकली रिसर्च स्टडी होती है जानने की कोशिश. तो कौन से वर्ड्स के मीनिंग जानने की कोशिश है, पूरा एक क्लॉज जो है अटेम्प्ट्स एट एक्विंटिंग, इसके मीनिंग होते हैं जानने की कोशिश. फिर क्या है, माई डॉक्टर नो दैट आई वुड एवेंचुअली रिकवर एंड टू काइंड ऑफ वर्क. तो यहाँ होगा हैड बीन डूइंग बिफोर. ठीक है, हैड बीन डूइंग बिफोर. परफेक्ट कंटिन्यूस, माई डॉक्टर नो दैट आई वुड एवेंचुअली टू काइंड ऑफ नो वर्क. फिर यहाँ होगा डैश मी अबाउट योर प्रॉब्लम आई वुड हेल्प. तो हैड यू टोल्ड, अगर तुमने मुझे बताया होता, मी अबाउट योर प्रॉब्लम, आई वुड हैव हेल्प. फिर अपॉन द इंक्वायरी आई फाइंड आउट दैट द आई हैड डैश द कार. तो क्या हो जाएगा, मिस टेकन द कार. कह रहे हैं ए ने एक काम किया 6 ओवर्स में, बी ने वही काम किया 14 ओवर में, दोनों मिलके कितनी देर में करेंगे? वेल देखो, एक मैजिकल फार्मूला होता है मेरा, ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम. तो ये कट कट आके सब कुछ 4.2 आवर आ रहा है. 0.2 आवर को मिनट में कन्वर्ट करना है, 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 आ जाएगा. 4 आवर 12 मिनट. ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों. फिर कह रहे हैं इस सीक्वेंस में 1, 2, 6, 22 में क्या आ रहा है? तो यहाँ चल गया रहा है 1 × 4 − 2 = 2, 2 × 4 = 8 − 2 = 6, 6 × 4 = 24 − 2 = 22, फिर 22 × 4 − 2. तो आंसर ऑफ कोर्स क्या आ जाएगा बच्चों, 86. फिर ये nth टर्म का फार्मूला दिया हुआ है, ऑफ कोर्स tn का. 31st टर्म निकालनी है सीक्वेंस 1, 4, 7, 10 की. और ऐसा ही है ये वाला भी, m − 2n m − m, इसकी भी 11 टर्म निकालनी है. तो tn = a + n − 1d से कर लेंगे भाई. इसका आंसर 91 आ जाएगा, इसका m + n आ जाएगा. अब यहाँ ये 2 + 2 − 2, ये कैलकुलेशन है. तो देखो इंग्रेज़ों का तरीका डिवाइड एंड रूल, बोधमास वाला रूल चलेगा. 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1, 2, 2, 1 = 2, और सब कुछ कैंसिल आउट हो गए, 2 आंसर आ जाएगा. फिर यहाँ x की जगह -1 पुट कर दो तो ये आंसर हमारा 7 आ जाएगा बच्चों. अब ये तो सिंपल डेफिनेशन दी है, एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है तो राइट एंगल होता है. डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल टू इट्स सेंटर इज कॉल्ड रेडियस. बाकी भाई अमीन एजुकेशन चैनल पे अब दाऊद पास पेपर सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट भी देख लेना, पूरा मौजूद है उसमें सारा है सब कुछ ना. मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, IQ की प्लेलिस्ट भी है, मैथ्स की भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारी. ठीक है, कम नेक्स्ट इन द सीक्वेंस. तो साफ दिख रहा है 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है 81. इस बार अच्छा कि इन्होंने सैम्पल पेपर दे दिया है वेबसाइट पर. 4 पीपल वर्क कर रहे हैं 40 मिनट में, 8 पीपल कितनी देर में करेंगे? तो यार हाफ हो जाएगा ना, 40 का हाफ क्या होता है, 20 मिनट. जितने लोग ज़्यादा बढ़ेंगे वर्क कम हो जाएगा. अब देखो ये जो है सवाल 0.003 × 0.02, तो डेसिमल के बाद 3 नंबर, डेसिमल के बाद 2, 3, 2 = 6, 6 × 10^-5, 6 × 10^-5 का डेसिमल के बाद टोटल 5 नंबर जिनमें 6 भी शामिल हो.
फिर यहाँ 4, 5, 0, 10, 8 और 3 कितने नंबर हैं, 6 नंबर हैं। इनका सम 30 है, 30 को 6 से डिवाइड कर लो 5 आ जाएगा। 3 की पावर 5 है, ये पावर 3 ऊपर चली जाएगी, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। या फिर ऐसे किया है 3 स्क्वायर 3 की पावर 5 है, 4 ले गए 3। अब ये देखो ये बड़ा अच्छा है, पहले 64 का रूट निकालना है फिर क्यूब रूट। 64 का रूट 8 आता है, क्यूब रूट 8 का यानी कि आंसर 2 आ जाएगा। फिर कह रहे हैं वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन, तो भाई एलसीएम ले लेंगे हम जो कि 6 आ जाएगा। 6 को 2 से डिवाइड करो, 3x + 2x, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर वैल्यू ये बतानी है भाई, ठीक है, कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी। तो भाई मैं सिंपल सा ट्रिक है कि ऑप्शंस की मदद लो। ऑप्शंस में मैंने यहाँ x की जगह 4 पुट कर दिया, भाई 10x था ना, ऑप्शन में से 4 पुट किया। 40 - 4 कितना होता है, 36, जिसका रूट 6। 6 को 3 से डिवाइड करो 2, 2 4 8 - 8 = 0, जिससे 0 = 0 आ जाए, वो हमारा आंसर है ये। फिर प्राइस कह रहे हैं कि जनाब 1 ऑरेंज के 5 सेंट हैं, व्हाट इज़ द प्राइस इन डॉलर ऑफ 1 डज़न ऑफ ऑरेंज। तो देखो थोड़ी सी लॉजिक है, 1 के 5 सेंट हैं तो 12 डज़न का लगे 12, 5 × 12 = 60 सेंट हो जाएंगे। डॉलर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करेंगे 100 से, इसका आंसर आ जाएगा 3/5 सेंट। बच्चों फिर कह रहे हैं कि प्रेजेंट एलाइस की एज x - 12 है, तो इसकी एज 12 साल बाद क्या होगी। तो भाई सिंपल सी बात है यार, एडअप कर दो, 12x + 2 हो जाएगी। ठीक है भाई।